नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बालों के समय से पहले सफ़ेद होने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खा लेके आया हूँ। एक तरह का आंवले का जल लेके आया हूँ कि आप आंवले के जल से सिर धोते हैं तो वो कैसे आपके बालों का जो समय से पहले सफ़ेद होना होता है वो ठीक कर सकता है। दोस्तों, ये नुस्खा मैंने कहीं इंटरनेट वगैरह से नहीं लिया है, तो ये डॉक्टर के द्वारा ही दिया गया है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन हम 2 से 3 वीडियोस को अपलोड करते हैं जिसमें काफ़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया जाता है। तो एक बार इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस नुस्खे में आपको मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, और ये जो जल है काफ़ी अच्छा है, आपको खाली सप्ताह में 1-2 बार ही करना है, और रूखे सूखे जो बेजान बाल होते हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, आंवला जल से सिर धोना सर्वोत्तम। विधि इस प्रकार है, 25 ग्राम सूखे आंवले को मोटा कूटकर, ठीक है, मोटा मोटा कूटकर किए हुए टुकड़े को 250 ग्राम पानी में रात में भिगो दें। प्रातः फूले हुए आंवलों को कड़े हाथ से मसल कर सारा जल पतले स्वच्छ कपड़े से छान लें। अब इस निथरे हुए जल को केशों की जड़ों में हल्के हल्के अच्छी तरह मलिए और 10-20 मिनट बाद केशों को सादे पानी से धो डालिए। रूखे बालों को सप्ताह में 1 बार और चिकने बालों को सप्ताह में 2 बार धोना चाहिए। आवश्यकता हो तो कुछ दिन रोजाना भी धोया जा सकता है। केश धोने के 1 घंटे पहले या जिस दिन केश धोने हो उसके 1 दिन पहले रात में आंवले के तेल की मालिश केशों में करें, तो ये काफ़ी अच्छा और कारगर उपचार है। अगर सफ़ेद बाल समय से पहले आते हैं तो खाली आपको करना क्या, आंवला को गलाकर उसका पानी जो है वो बालों में लगाना है, और आप इसमें मात्रा ध्यान रखें और ये विधि यथावत जैसी है वैसी ही करें। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नुस्खे से फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।